वेलकम बैक, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और अभी हमारे पास है i20 का नया वाला मॉडल और हम लगाने वाले हैं इसमें ये फिक्स वाले कर्टन। सेट ऑफ 4 आएंगे, सारी गाड़ियों के मिल जाएंगे आपको, किसी भी गाड़ी का चाहिए हो। i20 ओल्ड का अलग है और जो लेटेस्ट i20 आ रही है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो एलाइड i20 और ये वाला मॉडल है इनका ये एक ही आएगा। सेट ऑफ 4 है। लगाने का तरीका आपको लगा के दिखा देते हैं, खुद आप आराम से एक मिनट में इसको इंस्टॉल कर सकते हो और वापस निकाल सकते हो। बहुत सिंपल होता है, खाली अंदर की साइड से हल्का सा बेंड करके इसको लगाना ही होता है। सब गाड़ियों में ये ऐसे ही लगते हैं। और आगे का जो ग्लास है वो देखने की जगह इसमें यूं क्यों रहती है, आप देखिए ये हल्का सा यहाँ से बेंड करना है, प्रॉपर मॉडल के हिसाब से बने होते हैं। और उधर से भी हल्का सा बेंड होके और ये ऐसे इसमें दबा दिया जाएगा। फिटिंग आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह की, इसमें ये फिटिंग आती है। हल्का फुल्का तो कहीं ना कहीं से गैप इसमें रहता ही है, ये सेट हो जाएगा। और ये यहाँ से इसमें जो साइड ग्लास है उसको देखने के लिए स्पेस इसमें रह गया, या आपको कोई पर्ची वगैरह निकालनी हो तो उसके लिए रह गया। और आप अंदर बैठ के इसको वापस निकाल भी सकते हैं। ओल्ड मॉडल के लिए मिल जाएगा लेकिन वो अलग है। और बात करते हैं एक बार पीछे वाले दरवाजे में लगा के देख लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं फिर। ये भी बिल्कुल सिंपल वैसा ही है, हल्का सा इसको ऐसे बेंड कर देना है और फिर इसको वापस दबा देना है तो ये इसमें फंस जाएगा। ऐसी गाड़ियों में जिनमें एक्स्ट्रा क्वार्टर ग्लास बने होते हैं, इनमें क्वार्टर ग्लास का नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा स्पेस मतलब रोशनी जाने के लिए स्पेस दिया होता है, तो उसमें उसको ऐसा ही रखना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल आप फिटिंग इसकी देख ही सकते हैं, जो ये बिडिंग है ये बिडिंग के हिसाब से ये इसमें प्रॉपर बिल्कुल फिट आता है। ये थोड़ा बहुत गैप यहाँ से आप इसमें हल्का फुल्का देख ही सकते हो, लेकिन वैसे ये बिल्कुल इसमें प्रॉपर होता है। और ये चलती गाड़ी में से अपने आप निकल के नहीं गिरेगा, जो मैग्नेटिक में या जिपर में प्रॉब्लम आती है कि वो यहाँ बॉडी पे मैग्नेट से टच होते हैं, तो मैग्नेट अगर हल्के हुए तो वो निकल के नीचे की साइड ऐसे गिर जाते हैं। तो ये आगे वाले का, ये है पीछे वाले का। एक बार आपको निकाल के और दिखा देते हैं इसको कि निकालने का क्या तरीका है। देखिए एक बार, सिंपल है, इसको यहाँ से पकड़ना है और हल्का सा बेंड करके ये वापस बाहर निकल जाएगा। लगाने का तरीका भी सेम वही रहेगा, ये इधर से बेंड हुआ, उधर से बेंड हुआ, ये वापस इसमें जाके फंस जाएगा। यानी अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं ना, तो अंदर बैठे हुए को भी आपको इधर से ये इसमें हाथ फंसाना है और इसको हल्का सा ऐसे बेंड करना है। तो बेंड आप दोनों साइड से पकड़ के करेंगे तो ये अंदर बैठे ही निकल जाएगा। जो ये ग्लास है इसको आप डाउन कर सकते हैं, लेकिन पूरा डाउन ना करें, नहीं तो ये हवा के प्रेशर से उड़ भी सकता है। यानी अगर आप आधा डाउन कर दें तो ये इसको फिर भी इसके अंदर ही फंसा रहेगा, क्योंकि फंसा हुआ ये बिडिंग में ही है फिर भी उसी हिसाब से। तो ये हो गया इसका बैक साइड का, वो हो गया फ्रंट साइड का। ऐसे इसमें सेट ऑफ 4 आएंगे जो आपको हर गाड़ी हर मॉडल के लिए मिल सकते हैं। ये है i20 के न्यू मॉडल के लिए। आगे की फिटिंग आप इसमें देख ही सकते हैं, और ये साइड ग्लास देखने के लिए जगह इसमें साइड से रह जाती है दोनों साइड में, ताकि आप आराम से कर्टन लगने के बाद भी चला सकें, मेरा जो साइड ग्लास है उसको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये प्रॉपर है i20 के नए मॉडल के लिए। किसी और गाड़ी के लिए चाहिए तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा, और इसका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।